बजे उन्हें साथ भी पावे उन्हें पानी भी लावे चढ़ा पावा मैं अपना खून में तो संघर्ष करता खान का खून अपना अपना बेखुल खाली पेट का खान का खून नहीं है सबका धर्म के पाखंडिया मोड़न लग रही है। छोटू राम ने भी यही बात कही थी कि धर्म के पाखंडी लड़ा मतलब बचा बचा कैसे काम करवाए तो कड़िया कुछ नहीं है अपना संघर्ष है सिर्फ संघर्ष वो अधूरा भी करने लग रहे हैं खेतों में भी करने लग रहे हैं तो संघर्ष अपना जीवन का है। और मैं तो सही कहूँ यू आंदोलन छेड़ा क्योंकि मेरी कौम है मेरी किसान है वो संघर्ष भूलने बैठे थे वो नहीं सोचते थे गर्म करना हमारे डराने पन्नियों का देना तुम्हें दाने को कभी खाते करा दाने तो मन दो एक दाना अपनी जमीन में गेरा धरती माँ उसके सौ दाने अपना बना रहा पाखंडी कम बढ़ाने में और वो किसान की मेहनत है भाई किसान मेहनत करे तो देने किसान वो है सौ दाने बनाया और ऊपर तक परमात्मा की कृपा है तो थर्ड पर्सन कौन है देने वाला वो है लेने वाला मैं हूँ तो थर्ड पर्सन कौन है। इन पाखंडा का बैर निकलो मैं तक गया चोर का अपील करो पाखंडा का बैर निकलो आज यह लड़ाई अपनी फसलों के साथ नस्लों की भी है क्योंकि कौन आपा धर्म का नाम पापा ने लड़ान लग रहे जात का नाम पापा ने लड़ान लग रहे जोश दिखाना नहीं जोश दिखाना जो ही अपना सुनना तो रहता कोर्ट मांगे नहीं जो ही दिखाइयो बड़ा दे दो किसी ने भी राजनीति वाला ना जो दिखाइयो उसको हरियाणा आ रहे भाई चल ठीक है बड़ा झंडा सिद्धू ने फहराया है दीप सिद्धू ने फहराया है लेकिन हरियाणा आ रहे भाई कलाकार देखो किसी किसी गाने बनाने लग रहे इस गाने हैं इंस्पायर करने खातर बनाए जा रहे गाने बनाने लग रहे इस 26 जनवरी पे झंडा किसान फहरा हुआ भाई कितनी कहो तो कत्ते ही गाना बनाते क्या तो बनाया यू गाना जो फरम देने झंडा जत्थेबंदियों के प्रधान दोनों कारण लग रहे अपने शांति का प्रदर्शन करना है। हिंसा किसी भी आंदोलन को खराब कर सकती है हिंसा नहीं दिखा रही अपने शांति दिखानी है लेकिन गाने इसे लग रहे हैं बना भाई किस तरह एक मकान लग रहे हैं मोदी जी तोड़ी तो पड़ा लाश खड़े हैं लाश को नहीं जिंदा है टक्कर लेकर दिखा जिंदा है जिंदा रहो अपनी चेतना ने जगाओ जो चोरी हुई चेतना ने उसने जगाओ आज जोड़ का अपील है आपका अपील है प्रार्थना है आज जोड़ का आप अपनी सोई हुई चेतना न जगाओ जो नारी शक्ति है नहीं वो बहुत बड़ी शक्ति है किसी भी देश की क्रांति हुई आप किसम ने भगवान माना मानते होंगे उसकी मूर्ति की पूजा करा लेकिन जो किसम था वो भगवान कैसे बना था नरसिंह नारायण बना था उसने अच्छे काम करे थे अपने लिए काम करा था तो उसने भी सबसे पहले लंच लाने वाले बहुत पाए देंगे गोपियां गलत अरे गोपियों को साथ उठा वो स्त्री जो सोयो स्त्री शक्ति है उसको उठा रहा था अब लेनिन ने क्रांति की हो उसके साथ भी जब स्त्री संघर्ष करती है पुरुष के साथ मिलकर तभी किसी भी देश का वो इतिहास लिखा जाता है। तो हमारे पुरुष वर्ग के साथ आपको चलना है कंधे से कंधा मिला के चलना है और पाखंडी तो आज भी अपना गेस्ट है जो शुरू में अपना गलत है वह भी अपना गलत है और जो शुरू में गलत होने आज भी अपना विरोध करने लग रहे हैं लेकिन अपना अनुभेरा पर ठीक है और पाखंडी भी अपने बनावा करा जा जैसा सुनना की चीज चढ़ा के आवागे फुहारी चढ़ा के आवागे टिकड़ी चढ़ा के आवागे क्या था धर्म में तो केवरा बेचारा बूढ़ा की आग मुसरी हो और जो पाखंडी ने कहे नहीं एक देसी ही काफी पाला और देखा हमें अपना क्योंकि बैग अपना ही हो घर अपने बूढ़े हैं उनकी सेवा कर लो किसान अपना खेत में कमाने लग रहा है और देश द्रोही खालिस्तान निबरण किस किस नाम अपने तो पुकारा जाने लग रहा है अच्छा मैं देश द्रोही होगी खालिस्तान नहीं होगी अरे सीमा पे अपना जवान मरा खेत में अपना किसान मरा हमें तो देश द्रोही है कभी तो हमने सुने और भाई नेता के बालक और किसान खेती करने लग रहे क्यों तब तो नहीं बेरा नेता के बालक ने और सीमा पे सुने किसी नेता का बालक मर गया लाश लिपट लिपट कर तिरंगा मारने लग रही एक जन नहीं कैसे एक बॉल कर वो भी बड़ा कमर काट लग रहा है कोई बोरल की बात नहीं उस खतर क्योंकि यहाँ पे है सारे एजेंडे करने लग रहे हैं राजनीति समझो भाई राजनीति के बौद्धिक स्तर जो अपना है उसको बढ़ाओ अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाओ और जो अपना युद्ध है जो युद्ध है बहुत बड़ा युद्ध है जमीन का युद्ध है इसलिए अपने सफलता ले जानी है आज अर्गेनी 100 साल पर्चा चले जाओगे और जो ये अर्गेनी पत्नियों गुजरती है चारों व्यापारी है अपने भी राम अंबानी अडानी मोदी और अमित शाह चारों ने मैं दिमाग वादा करता जाऊँ स्टेज पर चारों ने आपस में नहीं लड़ते दिखा दू बताए तू करते आपस में लड़ेंगे ही है संपत्ति बैंक के आपस में लड़ाई मचेगी लेकिन जमीन को तो देते ही जमीन नहीं देंगे आप इस खातर अपने लड़ना है तो छोटी छोटी बात का अपना मन न दुखी ना करो अपना एकता बना के रखो संगठन बना के रखो और मातृ शक्ति से मेरी खास करके हाथ जोड़ के अपील है कि आप समझो इन पाखंडों से निकलोगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी आगे आकर आपको कुछ कह देंगे हमारे पुरुष वर्ग
आज खड़े है, खड़े है हमारे पुरुष वर्ग। बोलता में चोट भी लग गया है, टक्कर भी तोड़े है, सारे एजेंडे थे, सारे एजेंडे एजेंडे समझो, राजनीति समझो, कड़ा दिमाग लान लग रहे हैं कि दो दिन या तक भीतर बैठा एक पर भी दिगड़बट हो गया या। लेकिन भीतर भीतर उसकी गुफ्तगू के चल रही थी, पता समझते समझो उसने समझो, दिमाग को दिमाग लड़ा, बुद्धि दिया तो वो हमने बुद्धि यूज करो उसका यूज, और सबसे ज्यादा बुद्धि दी है तो लुगाई को दी है भगवान ने। भाई औरत अभी जब घर चला सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है, कितनी मैनेजमेंट औरत के खून में दिमाग में भगवान ने खुद दे रखी है, लेकिन तू उसका इस्तेमाल कहीं और कर रही है। निकल इन चीजों से बाहर और क्रांति का कर दे ऐलान। अरे झांसी की रानी भी हुई है, सारी जो स्त्री हुई है, गोपी आई कोई हो, लेकिन संघर्ष संघर्ष तू खड़ा करेगी, तू अपनी सोई हुई चेतना को दबा और पुरुष वर्ग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल। और जैसे पहले भी बोला मैंने कि भाई हरियाणा वाले से गाने बनाने लग रहे हैं, तो किसका के मेरा किसका आधार पर गाने बनाना है, किसी के गाने ना सुनो, टीवी ना, टीवी अपना सब सब कुछ बंद कर दो, जो अपनी जत्थेबंदी कहने लग रही है वही माननी अपन है। तो आज जोड़ का अपील है, बार बार कह रही हूँ, जत्थेबंदी जो अपन करना है, और लोग कहने लग रहे खालिस्तानी है, देश द्रोही है, ऊंट पर जाने लग रहे हैं, दूरे पहुंच जाओ ट्रैक्टर ले लेगा, दूरे पहुंच जाओ, ये तो परेड वाले पहुंचते रह गए। कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आना, मतलब ये नहीं सोचना हमारे गांव की बारी है या किसी और की है, जितने जितना पॉसिबल हो उसके उतने को आना है, ठीक है। और यही पर मैं अपना समापन करती हूँ, और आशा करती हूँ कि भाई लुगाई थोड़ा सा सेंसिटिव दिमाग की है, बुरा ना मानियो, लेकिन ये बात तरह इसकी है पूरा तरह चीज सीख कर देखियो, तरह इसकी बात कहने लग रही, मैं भी एक लुगाई हूँ, मैं भी एक माँ भी बनूंगी, दादी भी बनूंगी, सब कुछ बनना है, लेकिन समझो समझो इस चीज को, अगर आप आपका जो मन चेतना है वो आपने सुना रखी है थपेड़ थपेड़ कर, उसने जगाओ जब अपना यही होता सफल होगा, नहीं तो मन लग रही है एजेंडे खेलने, उनके एजेंडे समझ कौन सका है, बात को जो चीज उसको तोड़ मरोड़ कर देखना हो। भाई अनपढ़ता थी पहले, अनपढ़ता थी कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे कड़ा सोचा है, कड़ा सोचा है पढ़े लिखे, एक मन में ही एक मन मेरा बेटा, भाई छोटू राम कौन था, बचपन का यह शिक्षा दी जानी चाहिए, छोटे छोटे बच्चे में लेकर आने का क्या मतलब है, भाई क्रांति है नहीं, बचपन से सिखाओ, आपका आने वाली 100 साल तक अगली अपनी 4-5 पीढ़ियां तक यह बात जागरूकता रहे कि भाई किसान ना गलत क्यों बात हुई थी, ये बात पता अपने पास करना है, इतने मॉडर्न हो रहे हैं नहीं, भाई पढ़ ले भाई, खेत मजार में कुछ नहीं हो रहा, बात करना अपना लेने को मेरा भाई संघर्ष चीज के हो रहा है, तो बात करना जी किसान का नहीं, किसान का है तो संघर्ष सिखा उसको, वो सबसे पहला पैसा उसको, उसको खेती करनी सिखा, उसको संघर्ष सिखा कि कैसे करके खाया जाता है वो सिखा, फ्री का खाना ना सिखाओ उसमें, अपने ने लेकर जाओ उमरा भी और दिल्ली भी लेकर जाओ, और आज जोड़ का पीला एक का बनाए रखियो, और जो अपनी जत्थेबंदी कम है वो मारना अपन है, किसी का बचाव नहीं लाना अपन है, सोशल मीडिया पर चाहे कुछ भी हो, कभी सोशल मीडिया को मोदी का खरीदा हुआ है, जो मोदी ने पीछे जब तक सोशल मीडिया खरीद रखा है वो तो जो मोदी कहेगा वही चीज दिखा देगी, तो एजेंडा समझो और एकता बनाकर रखो, शांति बनाकर रखो, और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में महिलाओं को भी पुरुषों को भी सबको आना है, और यहीं पे अपनी मैं बात का समापन करती हूँ, धन्यवाद सुनने के लिए, और आखिरी बात फिर कहती हूँ, आप अपनी चेतना को जगाओ और एकता बना के रखो, कोई चीज नहीं है मुस्लिम है सिख है हिंदू है, कोई बड़ी बात नहीं है, जब बनाने वाला एक है लेके जाने वाला एक है तो थर्ड पर्सन कौन है, इस बात को सोचो और ज्यादा से ज्यादा संख्या में दिल्ली पहुंचो, और यही कट टोल घुमा के मारे फिर नहीं, टोल खुल जाएंगे, कितने करोड़ का घट हो गया उनका, टोल खुल जाएंगे और कम उठाएंगे, अपना नेट आज भी बंद है, फोन आया था पूछने लग रहे भाई कह रहे कह रहे, लेकिन जो अपने जत्थे बंदे के प्रधान है वो जज्जा करने सबने कहने लग रहे हैं, भाई बैठे रहो राम तक कोई दिक्कत नहीं हो, या सबको रखे सूचना फैलाई जाने लग रही है कि भी जा रही आंदोलन खराब हो गया, आंदोलन खराब नहीं हो रहा, अपना एकता सबर अपना बना कर रखना, धन्यवाद।